साथियों, कांग्रेस ने दशकों के अपने शासनकाल में जो सोचा तक नहीं, वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन? ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ है बेटा, वो आपकी चिंताएं समझता है, आपकी मुसीबतें समझता है, और इसलिए आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि मुफ्त राशन की ये योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। साथियों, कभी गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा, दवाएं 80% सस्ती होगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों से ये भी संभव कर दिखाया। कांग्रेस ने तो गरीब को, आदिवासी को झुग्गियों में रखा, खुले में शौच के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने गरीब को धुएं में जीने के लिए मजबूर रखा, पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। देश की करोड़ों बहनों ने कांग्रेस से कभी उम्मीद भी नहीं की थी उन्हें इन मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आज इन सारी मुश्किलों से देश की, राजस्थान की मेरी बहनों को मुक्ति मिलने लगी है।